हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो एक सीरीज रिकमेंडेशन वीडियो होने वाला है और मेरे लास्ट वीडियो मस्ट वॉच हॉरर सीरीज का पार्ट टू है। इस लिस्ट में मैं टॉप हॉरर सीरीज जिनमें डाउनराइट स्कैरी हॉरर सीरीज से लेके साइकोलॉजिकल हॉरर इवन कॉस्मिक हॉरर शोज भी होंगे उनके बारे में बात करूंगा। तो अगर आप मूवीज और सीरीज रिकमेंडेशन वीडियोस देखना चाहते हो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं डेली ऐसे वीडियोस अपलोड करता हूँ। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। लिस्ट की फर्स्ट शो है द आउटसाइडर। कहानी शुरू होती है एक लड़के की भयानक मर्डर के साथ जिसमें उसी के स्कूल के टीचर और बास्केटबॉल कोच टेरी मेटलैंड पकड़े जाते हैं। सारे एविडेंस उसी की ओर पॉइंट करते हैं लेकिन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड केस उलझ जाता है जब लीड डिटेक्टिव रैल्फ एंडरसन को इस केस में एक अनएक्सप्लेनेबल सुपरनेचुरल एंटिटी के होने का प्रूफ मिलता है। द आउटसाइडर 2020 में बनी एक लिमिटेड सीरीज है जो हॉरर के साथ साथ एक क्राइम थ्रिलर भी है। ये सीरीज हॉरर माइस्ट्रो स्टीफन किंग के एक बुक पर बेस्ड है और इसे डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है जेसन बेटमैन ने, जिन्होंने टेरी का रोल भी प्ले किया है। और सीरीज में बेन मेंडेलसन की एक्टिंग देखने लायक है। ये सीरीज ट्रू डिटेक्टिव और द वेलिंग मूवी का एक बहुत ही बढ़िया मिक्स है और आप द आउटसाइडर को देख सकते हो जियो सिनेमा पर। और लिस्ट की नेक्स्ट शो है एक माइक फ्लैनेगन सीरीज मिडनाइट मास। सीरीज की कहानी है एक छोटे से आइलैंड विलेज क्रॉकेट आइलैंड की, जहां के पुराने रेसिडेंट राइली फ्लिन एक ड्रंकन ड्राइव इंसिडेंट के लिए 4 साल जेल में बिताने के बाद घर लौटता है। लेकिन उसी समय क्रॉकेट आइलैंड में एक और मिस्टीरियस पर्सन की एंट्री होती है और वो है चर्च के नए प्रीस्ट फादर पॉल। और फादर पॉल के आने के बाद से इस छोटे से आइलैंड टाउन में एक के बाद एक मिरेकल्स होने लगते हैं। लेकिन इस आइलैंड में कुछ अजीब से घटनाएं भी घटने लगती है, जैसे कि आइलैंड के सारे एनिमल्स मिस्टीरियस वे में डेथ हो जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है वो जानने के लिए आपको ये 7 एपिसोड की मिनी सीरीज देखनी पड़ेगी। मिडनाइट मास माइक फ्लैनेगन की थर्ड एंट्री है नेटफ्लिक्स पर और ये शो एक हॉरर ड्रामा सीरीज है तो थोड़ी स्लो लग सकती है लेकिन हॉरर भी बहुत सारा है। इस शो में भी माइक फ्लैनेगन के यूजुअल एक्टर्स ने काम किया है और सभी ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दिए हैं। इस शो की सिनेमाटोग्राफी अमेजिंग है और स्पेशली शो का फाइनल एपिसोड वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग एपिसोड एवर है और आप मिडनाइट मास को देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर। नेक्स्ट शो है लवक्राफ्ट कंट्री। इस शो में हम एटिकस फ्रीमैन की स्टोरी देखते हैं प्लेड बाय जोनाथन मेजर्स, जो अपने फ्रेंड लेटिशिया और अपने अंकल जॉर्ज के साथ 1950s के अमेरिका में अपने मिसिंग फादर को ढूंढने के लिए एक रोड ट्रिप पर निकलते हैं और रास्ते में उनको रेसिज्म के हॉरर के साथ साथ सुपरनेचुरल हॉरर का भी सामना करना पड़ता है। लवक्राफ्ट कंट्री 2020 में बनी एक स्ट्रेट अप हॉरर शो है और इस सीरीज के कुछ एपिसोड्स बहुत ही डरावने हैं। अगर आप भी एचपी लवक्राफ्ट के कॉस्मिक हॉरर के फैन हो तो ये शो आपको जरूर पसंद आएगी। ये शो जोनाथन मेजर्स और जर्नी स्मॉलेट के वन ऑफ द फर्स्ट रोल्स में से एक है और दोनों ने ही लीड रोल में बेहतरीन काम किया है और शो में 1950s का सेटिंग को भी ब्रिलियंटली दिखाया गया है। अनफॉर्चुनेटली इसे फर्स्ट सीजन के बाद ही कैंसिल कर दिया गया था, पर फिर भी लवक्राफ्ट कंट्री के फर्स्ट सीजन को एंजॉय कर सकते हो जियो सिनेमा पर। और लिस्ट की नेक्स्ट शो है आर्काइव 81। शो की कहानी है डैन टर्नर की, जो एक आर्काइविस्ट है और उसे एक मिस्टीरियस आदमी वर्जिल एक जॉब ऑफर करता है जिसमें डैन को 1994 के कुछ डैमेज हो चुके वीडियो टेप्स को रिस्टोर करना होगा। लेकिन ये टेप्स इतने ही डैमेज्ड हो चुके हैं कि इनको कहीं और शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो डैन को उनके ही फैसिलिटी में जाना पड़ता है। डैन इन टेप्स को रिस्टोर करते हुए मेलोडी की स्टोरी जानता है जिसने ये सब टेप्स बनाई थी और मेलोडी जो एक मिस्टीरियस कल्ट के बारे में अपने टेप्स में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, अब डैन भी इस मिस्टीरियस कल्ट के टारगेट में चला आता है। आर्काइव 81 2022 में बनी एक हॉरर ड्रामा सीरीज है और इस शो का प्रेमिस और इसकी स्टोरी बहुत ही यूनिक है। हाँ, ये शो थोड़ी स्लो लग सकती है और हॉरर थोड़ा कम लग सकता है व्यूअर्स को, फिर भी फ्रेंड्स अगर आप एक अच्छी हॉरर मिस्ट्री स्टोरी देखना चाहते हो गिव आर्काइव 81 अ चांस ऑन नेटफ्लिक्स। नेक्स्ट शो है देम। शो में हम 1950s के एक ब्लैक फैमिली एमोरीज की कहानी देखते हैं जो लॉस एंजलिस के एक ऑल व्हाइट नेबरहुड में शिफ्ट होते हैं। हेनरी एमोरी को लॉस एंजलिस में एक इंजीनियर की जॉब मिलती है और वो अपने फैमिली के बेहतर जिंदगी के लिए वहाँ शिफ्ट होता है, लेकिन उनका ये ड्रीम होम जल्दी ही एक नाइटमेयर में बदल जाता है जब उनको अपने रेसिस्ट पड़ोसियों के साथ साथ अपने घर में कुछ अदरवर्ल्डली सुपरनेचुरल इविल्स का भी सामना करना पड़ता है। देम एक एंथोलॉजी सीरीज है जिसके फर्स्ट सीजन में एक कंप्लीट स्टोरी को दिखाया गया है जो एक डाउनराइट हॉरर स्टोरी है। ये शो काफी स्कैरी है और इसमें काफी सारे जंप स्केयर्स भी है। इसकी स्टोरी टेलिंग काफी फास्ट और ग्रिपिंग है जो ऑडियंस को हुक्ड रखती है और ये शो सोशल एविल को एक हॉरर लेंस के थ्रू दिखाती है और आप डेम को देख सकते हो प्राइम वीडियो पर।
और लिस्ट की लास्ट शो है प्रोबेबली माय मोस्ट फेवरेट हॉरर सीरीज पेनी ड्रेडफुल। ये सीरीज 1890s के विक्टोरियन लंदन में सेट है और स्टोरी की मेन कैरेक्टर है वेनेसा आइव्स, प्लेड बाय इवा ग्रीन, जो एक पावरफुल मीडियम भी है और वो एक एक्सप्लोरर सर मैलकम जो अपनी बेटी को भी सुपरनेचुरल क्रिएचर से बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और इथन चैंडलर एक अमेरिकन गनमैन जिसका खुद का एक हॉरिफिक सीक्रेट भी है, और डॉक्टर विक्टर फ्रैंकेंस्टाइन और डोरियन ग्रे, और ये सब मिलके लंदन के रातों के इविल क्रिएचर्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं। पेनी ड्रेडफुल 2014 में बनी एक गॉथिक हॉरर शो है जिसमें लिटरेरी कैरेक्टर्स जैसे कि फ्रैंकेंस्टाइन, ड्रैकुला और डोरियन ग्रे के साथ साथ ओरिजिनल कैरेक्टर्स को मिला के एक बहुत ही यूनिक और ग्रिपिंग एक हॉरर शो बनाई गई है। इस शो की स्टोरी टेलिंग और स्पेशली इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना अच्छा है आप इस शो के फैन बन जाओगे। इसके लंदन का डार्क गॉथिक एटमोस्फियर काफी इंप्रेसिव है और सभी लीड एक्टर्स ने अपने बेस्ट परफॉर्मेंसेस दिए हैं इस शो में। स्पेशली इवा ग्रीन की परफॉर्मेंस फ्लॉलेस है। मैं ये शो को देख के इवा ग्रीन का फैन बन गया था। ओवरऑल ये एक परफेक्ट शो है और बहुत ही अंडररेटेड सीरीज रही है। पहले प्राइम वीडियो पर अवेलेबल थी पर अब शायद अनफॉर्चुनेटली कहीं स्ट्रीम नहीं कर रही। एंड दैट इज द लिस्ट फ्रेंड्स, मस्ट वॉच हॉरर सीरीज। अगर आप इसका थर्ड पार्ट भी देखना चाहते हो तो मुझे कॉमेंट में बोलना, और आपके कोई भी सजेशन या फिर फीडबैक हो तो मुझे कॉमेंट करो। एंड फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।